दोस्तों मैं हूं आपका अपना दोस्त नमन राजपूत और आपका फिर से स्वागत है एक नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं, अगर आपका यहां पर HDFC बैंक के अंदर सेविंग अकाउंट या फिर करंट अकाउंट या फिर किसी और टाइप का अकाउंट है और आप अपने अकाउंट को बंद करना चाहते हैं तो मात्र 5 मिनट के अंदर आप अपने अकाउंट को किस तरह से बंद कर सकते हैं आज की इस वीडियो में आप सीखने वाले हैं। दोस्तों HDFC बैंक में अपने अकाउंट को बंद करने के लिए आपको सबसे पहले क्लोजर फॉर्म को फिल करना होता है। क्लोजर फॉर्म को फिल करने के बाद आपको उस फॉर्म को अपने नियर बाई बैंक के अंदर सबमिट करना होता है एंड जैसे ही आप उस फॉर्म को सबमिट करते हैं तो बैंक के द्वारा आपके अकाउंट को परमानेंट तौर पर बंद कर दिया जाता है। लेकिन अगर आपके पास यहाँ पर टाइम नहीं है और आप यहाँ पर बैंक जाना नहीं चाहते हैं और आप यहाँ पर अपने अकाउंट को घर बैठे ही बंद करना चाहते हैं तो आप अपने उस क्लोजर फॉर्म को फिल करने के बाद बाय पोस्ट भी बैंक में सेंड कर सकते हैं एंड उसके साथ आपको एक अपनी आईडी प्रूफ लगानी होगी एंड जब आपका वो फॉर्म आपके बैंक में बाय पोस्ट चला जाएगा तो बाय पोस्ट जाने के बाद बैंक वाले आपके अकाउंट को बंद कर देंगे। दोस्तों जब आपका अकाउंट यहां पर क्लोज हो जाता है तो अकाउंट क्लोज होने के बाद आपका जो यहां पर बैलेंस आपके अकाउंट में होता है या तो आप अपने उस बैलेंस को बाय कैश यहां पर निकाल सकते हैं या फिर आप अपने उस बैलेंस को बाय चेक भी यहां पर विड्रॉल कर सकते हैं। और अगर आप अपने उस बैलेंस को किसी और अकाउंट में ट्रांसफर करना चाहते हैं तो आप यहां पर अपने उस बैलेंस को किसी और अकाउंट में भी ट्रांसफर कर सकते हैं। सो आज की इस वीडियो में मैं आपको यहां पर कंप्लीट प्रोसेस सिखाने वाला हूं कि आप यहां पर HDFC बैंक में अपने अकाउंट को किस तरह क्लोज कर सकते हैं एंड आपको यहां पर क्लोजर फॉर्म को किस तरह डाउनलोड करना है एंड किस तरह आपको उस फॉर्म को फिल करना है। सो अगर आप मेरे YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए क्योंकि मैं यहां पर आपके लिए बैंकिंग से जुड़ी वीडियो और गवर्नमेंट सेक्टर से जुड़ी वीडियो लाता रहता हूँ। तो अब अगर आप यहाँ पर ऑनलाइन अर्निंग करना चाहते हैं तो आप मेरे नए YouTube चैनल नमन अर्निंग गुरुजी को सब्सक्राइब कर सकते हैं जिसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी एंड वहीं पर आपको मेरे टेलीग्राम चैनल की लिंक भी मिल जाएगी जहाँ पर मैं आपको लेटेस्ट अपडेट एंड ट्रिक प्रोवाइड कराता हूँ। और दोस्तों अगर आप मुझसे पर्सनली सवाल पूछना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर जाकर फॉलो कर सकते हैं जहाँ पर मैं आपके सभी सवालों के जवाब देता हूँ। आपको मेरे इंस्टाग्राम हैंडल की लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो दोस्तों अब हम यहाँ पर सीख लेते हैं कि HDFC बैंक में किसी भी अकाउंट को हम किस तरह बंद कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों मेन वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों HDFC में अपने अकाउंट को क्लोज करने के लिए सबसे पहले मैं आपको प्रोसेस बता देता हूं कि आपको यहां पर क्लोजर फॉर्म को किस तरह डाउनलोड करना है एंड आपको क्लोजर फॉर्म को किस तरह यहां पर फिल करना है। तो सबसे पहले हम यहां पर गूगल पर आ जाते हैं एंड गूगल पर आने के बाद हम यहां पर सिंपली सर्च करते हैं बैंक अकाउंट क्लोजर फॉर्म HDFC। यहां पर दोस्तों जहां पर मैंने HDFC मेंशन किया है आप यहां पर जिस भी बैंक का अकाउंट बंद करना चाहते हैं अपने बैंक का नाम आप यहां पर मेंशन कर सकते हैं। लेकिन अभी हम यहां पर HDFC बैंक का अकाउंट क्लोज करने वाले हैं तो हमने यहां पर मेंशन कर दिया है HDFC। उसके बाद यहां पर हमें सिंपली एंटर करना है एंड एंटर करने के बाद हमारे सामने कुछ ऐसा इंटरफेस निकल के आएगा। सो आपके सामने ये जो फर्स्ट नंबर की वेबसाइट निकल के आती है HDFC बैंक अकाउंट क्लोजर फॉर्म, तो आपको सिंपली इस पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का फॉर्म निकल कर आएगा। ये फॉर्म दोस्तों HDFC का ऑफिशियल फॉर्म है। अगर आप दोस्तों इस फॉर्म को डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड करना चाहते हैं तो आपको इस फॉर्म की लिंक मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, वहां से आप इस फॉर्म को डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के बाद अब दोस्तों आपको इस HDFC क्लोजर फॉर्म को किस तरह से फिल करना है आप दोस्तों वो प्रोसेस भी यहाँ पर समझ लीजिए। तो यहाँ पर सबसे पहले हम इस फॉर्म को ओपन कर लेते हैं। फॉर्म को ओपन करने के बाद आपके सामने ये जो लेफ्ट साइड का जो आपके सामने फॉर्म का पार्ट है ये पार्ट आपको फिल नहीं करना है। ये वाला पार्ट जो बैंक के एम्प्लॉई होंगे जो यहाँ पर ऑफिशियल एम्प्लॉई होंगे वो लोग इस पार्ट को फिल करेंगे। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं टू बी फिल्ड इन बाय ये बैंक ऑफिशियल, यानी कि बैंक के जो ऑफिशियल एम्प्लॉई हैं वो इस फॉर्म को यहाँ पर फिल करने वाले हैं। हमें दोस्तों इस फॉर्म को जो फिल करना है इसका ये जो हमें राइट पार्ट मिलता है हमें केवल वही इस फॉर्म का हिस्सा फिल करना है। तो इस पार्ट को फिल करने के लिए आप यहाँ पर कंप्लीट प्रोसेस बड़ी आसानी से आप यहाँ पर समझ लीजिए।
यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले आपको यहाँ पर आपका अकाउंट यानी कि आपका अकाउंट में क्या नाम है, आपका यहाँ पर सबसे पहले नेम ऑफ द फर्स्ट होल्डर यानी कि बैंक अकाउंट अगर आपका सिंगल है तो आप यहाँ पर अपना पूरा नाम इस फर्स्ट लाइन में आपको लिखना है। यहाँ पर आपको अपना फर्स्ट नेम जैसे कि मिस्टर यानी कि नमन एंड उसके बाद आपको यहाँ पर सिंह यानी कि आपको अपना कंप्लीट नाम यहाँ पर फिल कर देना है एंड उसके बाद यहाँ पर आपको सिंपली अपने अकाउंट का टाइप सेलेक्ट कर लेना है यानी कि आपका अकाउंट किस टाइप का है, आपका यहाँ पर सेविंग अकाउंट है, लोन अकाउंट है, गोल्ड का अकाउंट है या फिर आपका ट्रेडिंग अकाउंट है या क्रेडिट अकाउंट है यानी कि आपका अकाउंट जिस भी टाइप का है वो टाइप यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर लेना है एंड उसके जस्ट सामने आपको यहाँ पर टिक बर निशान कर देना है यानी कि जिस भी टाइप का आपका अकाउंट है उसके सामने आपको टिक का निशान लगा देना है एंड उसके बाद आपको सिंपली इस फॉर्म को ऊपर की तरफ स्क्रॉल डाउन करना है। स्क्रॉल डाउन करने के बाद यहाँ पर आपको अपना अकाउंट नंबर मेंशन कर देना है यानी कि जिस अकाउंट को आप बंद करना चाहते हैं उस अकाउंट का नंबर सेविंग करंट अकाउंट वाले जो आपके सामने यहाँ पर कॉलम दिखता है इसमें आपको मेंशन कर देना है। यहाँ पर आपको अपना अकाउंट नंबर सीरियल में लिखना है यानी कि स्टार्टिंग से एंडिंग तक आपको यहां पर विदाउट एनी स्पेस अपना अकाउंट नंबर मेंशन कर देना है। उसके बाद यहां पर दोस्तों अब अगर मान लीजिए आपके बैंक अकाउंट में कोई यहां पर बैलेंस मौजूद है यानी कि आपके अकाउंट में 1,000, 2,000 या फिर कुछ भी पैसे यहाँ पर पड़े हुए हैं तो आप उन पैसे को किस तरह से निकाल सकते हैं वो भी आप यहाँ पर समझ लीजिए। अगर आपको यहाँ पर अपने उन पैसों को कैश के रूप में यहाँ पर निकालना है तो आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना होगा कैश वाला जो आपको यहाँ पर एक कॉलम दिख जाता है आपको इस कैश वाले कॉलम पर टिक मार कर देना है एंड अगर आपको यहाँ पर उस फॉर्म को चेक के माध्यम से या डीडी के माध्यम से निकालना है तो आप यहाँ पर इस सेकंड नंबर वाले ऑप्शन को मैंने चेक वर्स डीडी वाले सेक्शन को आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं एंड अगर आपको उस बैलेंस को किसी और अकाउंट में ट्रांसफ़र करना है तो आप यहाँ पर इस तीसरे नंबर वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हैं एंड उसके बाद यहाँ पर आपको जिस अकाउंट में ट्रांसफ़र करना है उस अकाउंट की डिटेल यहाँ पर फिल करनी होगी। यहाँ पर आपको अपना अकाउंट नंबर, यहाँ पर बैंक का नाम, बैंक में आपका नाम क्या है, ब्रांच का आईएफएससी कोड एंड ब्रांच का एड्रेस यहाँ पर आपको फिल कर देना है एंड उसके बाद आपको सिंपली इस फॉर्म को ऊपर की तरफ स्क्रॉल डाउन कर देना है। फॉर्म को स्क्रॉल डाउन करने के बाद यहाँ पर आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस निकल के आएगा। यहाँ पर आप अपने अकाउंट को किस रीज़न की वजह से बंद करना चाहते हैं आपको वो रीज़न यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है यानी कि आप अपने HDFC बैंक के अकाउंट को किस लिए बंद करना चाहते हैं आपको सिंपली वो रीजन यहां पर सेलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पर जैसे कि आप मान लीजिए आप यहाँ पर अगर सेलेक्ट कर लेते हैं कॉर्पोरेट सैलरी अकाउंट एंड एम्प्लॉई चेंज तो हम यहाँ पर अपना फिफ्थ नंबर को सेलेक्ट कर लेते हैं। आप यहाँ पर अपने अकॉर्डिंग कुछ भी यहाँ पर ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं कि आप यहाँ पर किस रीज़न की वजह से अपने इस अकाउंट को क्लोज करना चाहते हैं एंड उसके बाद आपको सिंपली इस फॉर्म को ऊपर की तरफ स्क्रॉल डाउन करना है। ऊपर की तरफ स्क्रॉल डाउन करने के बाद यहाँ पर दोस्तों आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस निकल के आता है। उसके बाद यहाँ पर दोस्तों हम सेकंड पेज पर यहाँ पर आ चुके हैं। सेकंड पेज में यहाँ पर आपके अकाउंट के साथ जो भी यहाँ पर क्रेडिट कार्ड आपका लिंक है तो अगर आप उस क्रेडिट कार्ड को यहाँ पर बंद करना चाहते हैं या फिर उस क्रेडिट कार्ड को आप ट्रांसफ़र करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर अपने उस क्रेडिट कार्ड का नंबर मेंशन कर सकते हैं एंड उसके बाद यहाँ पर आपको क्रेडिट कार्ड का नंबर मेंशन करने के बाद आपके सामने यहाँ पर दो ऑप्शन निकल के आते हैं। प्लीज़ डीलिंक माई क्रेडिट कार्ड फ्रॉम माई एग्जिस्टिंग AC एंड रीलिंक टू दिस AC यानी कि आप अपने उस क्रेडिट कार्ड को अपने जिस अकाउंट को बंद करना चाहते हैं उससे डीलिंग करके किसी नए अकाउंट के साथ अगर आप लिंक करना चाहते हैं तो आप अपने उस नए अकाउंट का नंबर यहां पर लिख सकते हैं एंड उसके बाद यहां पर आपको इस पेज को नीचे की तरफ स्क्रॉल डाउन कर देना है। नीचे की तरफ स्क्रॉल डाउन करने के बाद आपके सामने यहाँ पर एक जो मेन इंटरफेस निकल के आता है वो यहाँ पर ये है। यहाँ पर आपको बताना होगा कि अगर आपका इस सेविंग अकाउंट या फिर करंट अकाउंट के साथ आपका किसी और टाइप का अकाउंट भी लिंक है जैसे कि कोई लोन अकाउंट या फिर आपने गोल्ड लोन ले रखा है या फिर आपने FD कर रखी है, RD कर रखी है या फिर आपका कोई ट्रेडिंग अकाउंट यहाँ पर चल रहा है, अगर आप उस ट्रेडिंग अकाउंट को भी यहाँ पर एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर करना चाहते हैं या फिर उन्हें आप यहां पर
डीलिंक करना चाहते हैं या फिर रीलिंक करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर उन अकाउंट की डिटेल भी देनी होगी। यहाँ पर मान लीजिए अगर आपका कोई यहाँ पर लोन अकाउंट HDFC के अंदर चल रहा है और आप अपने सेविंग अकाउंट को बंद करना चाहते हैं लेकिन लोन अकाउंट को आप बंद करना नहीं चाहते हैं तो आपको अपने उस लोन अकाउंट का नंबर यहाँ पर मेंशन करना होगा। तो जब आप अपना उस लोन अकाउंट का नंबर यहाँ पर मेंशन कर देंगे तो आपके उस लोन अकाउंट को आपके एग्जिस्टिंग अकाउंट के साथ डीलिंक कर दिया जाएगा, यानी कि आपका अकाउंट तो बंद हो जाएगा लेकिन आपके लोन अकाउंट पर किसी प्रकार का कोई इफेक्ट यहाँ पर नहीं पड़ने वाला है। तो आप यहाँ पर अपने जिस भी अकाउंट को अपने एग्जिस्टिंग अकाउंट के साथ डीलिंक करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर अपने अकॉर्डिंग वो नंबर यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। एंड उसके बाद यहाँ पर हमें इस फॉर्म को नीचे की तरफ स्क्रॉल डाउन कर देना है। स्क्रॉल डाउन करने के बाद यहाँ पर अगर आपका अकाउंट यहाँ पर सिंगल है तो आपको अपने सिग्नेचर कस्टमर सिग्नेचर वाले टैब में फर्स्ट नंबर पर कर देने हैं, और अगर आपका अकाउंट यहाँ पर जॉइंट अकाउंट है तो आपको यहाँ पर आपके साथ जिस व्यक्ति का अकाउंट यहाँ पर जॉइंट है उसके सिग्नेचर आपको सेकेंड नंबर पर करा देने हैं। एंड अगर आपके साथ कोई तीसरा व्यक्ति का भी यहाँ पर अकाउंट जॉइंट है तो उसके सिग्नेचर आपको यहाँ पर कराने होंगे एंड उनके नाम आपको यहां पर नीचे यहां पर लिख देने हैं, यानी कि आपको नाम नीचे लिख देने हैं एंड ऊपर आपको सिग्नेचर करा देने हैं। एंड उसके बाद आपके सामने यहां पर फॉर्म यहां पर कंप्लीट फिल हो चुका है। उसके बाद यहां पर आपको एक्नॉलेज वाली जो स्लिप होती है वो यहां पर फिल करने की जरूरत नहीं है। इस जो एप्लीकेशन की जो आपको एक स्लिप मिलनी होती है वो यहां पर बैंक के एम्प्लॉय आपको बैंक की तरफ से प्रोवाइड कराते हैं, यानी कि जब वो इस फॉर्म को अपने पास एक्सेप्टेड कर लेते हैं तो वो यहाँ पर इस स्लिप को यहाँ पर अपनी मोहर के साथ अप्रूव करके आपको ये स्लिप यहाँ पर प्रोवाइड करा देंगे। सो जब आप दोस्तों इस फॉर्म को कंप्लीट फिल कर लेते हैं तो आपको इस फॉर्म के साथ एक यहाँ पर अपना ID प्रूफ एंड अपनी पासबुक की फोटोकॉपी यहाँ पर लगानी होती है। एंड जब आप यहाँ पर दोस्तों इसके साथ ये सारी चीज़ें लगा देते हैं तो आपको इस फॉर्म को अपनी ब्रांच में या तो आप जाकर इसे जमा कर सकते हैं या फिर आप इस फॉर्म को बाई पोस्ट यहां पर अपनी ब्रांच में सेंड कर सकते हैं। तो जब आपका ये फॉर्म ब्रांच में एक्सेप्ट हो जाता है तो आपका अकाउंट बैंक की तरफ से सक्सेसफुली क्लोज कर दिया जाता है। लेकिन क्लोज करने से पहले अगर आपके ऊपर किसी प्रकार का कोई ड्यूज है या फिर आपका बैलेंस यहां पर माइनस में है तो आपको सबसे पहले अपने उस बैलेंस को बैंक को यहां पर चुकाना होगा, तभी आपका अकाउंट बैंक की तरफ से क्लोज किया जाएगा। और उसके बाद जब आपके अकाउंट का पैसा आपके दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाता है या फिर आपको बाई कैश आपका अमाउंट यहां पर मिल जाती है, और उसके बाद जो आपके पास जो आपके अकाउंट का ATM कार्ड पासबुक एंड चेकबुक आपके पास मौजूद होती है तो या तो आप अपने उन सभी चीजों को यहां पर डिस्ट्रॉय कर सकते हैं या फिर अपनी ब्रांच में जाकर वो सारी चीजें आप ब्रांच में जमा कर सकते हैं। सो आज की इस वीडियो में आपने कंप्लीट प्रोसेस समझ लिया है कि आप यहां पर HDFC बैंक के अकाउंट को किस तरह से क्लोज कर सकते हैं। सो अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि मैं यहां पर आपके लिए बैंकिंग से जुड़ी वीडियो और गवर्नमेंट सेक्टर से जुड़ी वीडियो लाता रहता हूं। नेक्स्ट वीडियो आपको जल्दी मिल जाएगी।